अभी सुबह और इनका टीम क्या करता है उनका फ़ायदा हम अभी ज़्यादा नहीं सका सकते, बट नेक्स्ट जनरेशन का 100% फायदा मिलेगा। इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, और अगर आप नहीं कर पाए तो आपका बच्चा करेगा, आपका भाई करेगा। तो जो भी ये कोचिंग सेंटर्स अक्रॉस इंडिया ये सुबहान और उनके टीम जो बना रहे हैं, आई कंग्रेचुलेट देम। माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए क्या चेंजेस लाना है, वहाँ से उनको जॉब दिलाओ, गवर्नमेंट एग्जाम्स में उनका अपलिफ्टमेंट के लिए डॉक्टर्स बनाओ। IIT की जब बात होती थी कि गरीब का बच्चा तो हो ही नहीं सकता IIT में जाने का, अल्हम्दुलिल्लाह आज पॉसिबल हो गया। NIT में हमारे स्टूडेंट्स हैं, IIT में हर इंजीनियरिंग कॉलेज में। मुल्क भर में 80 से ज़्यादा UPSC KPSC जो बच्चों की ट्रेनिंग के लिए जो है, कोचिंग के लिए जो है, सेंटर्स ओपन की गई है। इस सेंटर्स की जो ओपनिंग का इनॉग्रेशन है कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर UT खादर और दीगर वहाँ पर IAS KAS और कई सारे जो है बड़े बड़े ऑफिशियल्स जो है उस इनॉग्रेशन में शामिल हुए थे। वहाँ पर स्पीकर ने जो है, UT खादर ने जो है, बच्चों को हौसला अफजाई की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से आगे आपको जो है इस कोचिंग जो, यानी कि इस कोचिंग जो फाल्कन की तरफ से दी जा रही है उसको आगे बढ़ाना है, उस कोचिंग को जो है किस तरीके से लेकर जाना है और बच्चों में जो है कितना ज़रूरी है इस तरीके का जो ये फाल्कन ने कदम उठाया है इसको आगे बढ़ाना है। और दीगर हजरात भी जो है बच्चों को अपने अपने जो तजुर्बात थे उसको शेयर किया। वहाँ पर जो ऑफिशल्स थे उन्होंने भी वहाँ पर जो है बच्चों को हौसला अफजाई दी और बच्चों से कहा कि किस तरीके से इस जो ये कोचिंग सेंटर, यानी कि अक्रॉस इंडिया जो है 80 से ज़्यादा जो ये सेंटर्स खुले हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों को शामिल होना है और शामिल होकर जो है इस सेंटर को आगे बढ़ाना है। तो अब्दुल सुबान जो है इस तरीके का काम पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार इनका ये जो ख्वाब है तकरीबन 50,000 बच्चे जो है मुल्क भर के अंदर जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उस एग्ज़ाम्स को जो है 50,000 बच्चे लिखना है और लिखकर जो है दिखाना ये है सरकार को कि हम भी इस एग्ज़ाम में हिस्सा इतने बच्चे ले सकते हैं। तो फाल्कन की तरफ से जो कदम उठाया गया है तो बहुत ही तारीफ़ काबिल कदम है। तो चलिए वहाँ के कुछ जिम्मेदार जो आए थे उनसे बात करते हैं, स्पीकर UT खादर सर से बात करते हैं और दीगर जो ऑफिशियल्स आए थे उनसे भी बात करेंगे और अब्दुल सुबान सर से भी बात करेंगे और जानेंगे इस सेंटर को ओपन करने का क्या मकसद है और बच्चों ने जो नई कोचिंग शुरू की है वो बच्चों को भी जो है इज्जत अफजाई की। तो चलिए सुनते हैं इनका क्या कहना है। मैं फाल्कन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का हमारा दोस्त और उनका फाउंडर मिस्टर सुबान और इनका टीम का अभिनंदन करता हूँ। एक ही दिन में 80 जगह पर IAS IPS और अदर प्रोफेशनल गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या कोर्सेस चाहिए उनका सेंटर अलग अलग NGO के साथ ज्वाइन करके एक इनोग्रेशन करने का एक प्रोग्राम किया है। ये अभी बहुत बड़ा एक कम्युनिटी के लिए और देश के लिए एक क्या है वो प्रोग्राम है, क्योंकि इधर सिंपल एग्जाम सिंपल वर्ड हम कब हम एक्सपेंड करता है सबको इंक्लूड करने का अवकाश मिलता है। सब इंक्लूड करके अच्छा पढ़ने से हमको एक्सीलेंस अच्छा अच्छा में हमको मिला अवकाश मिलता है। सो इसीलिए ये हमारा एक कोचिंग सेंटर्स एक ही जगह केंद्र करेंगे के तो सब उधर नहीं आ सकते और गरीब लोग और कॉमन मैन को भी उधर नहीं आ सकते। इसीलिए 80 सेंटर में अब करें एक फर्स्ट स्टेप में करेंगे तो कॉमन मैन का डोर स्टेप में एक कोचिंग सेंटर्स ओपन करने का एक अवकाश है। बाद में अभी 80 है, अब वो एनकरेजमेंट होएंगे तो 160 होता है, 240 होता है। बाद में हर जगह में IAS कोचिंग का एक अवकाश सबको मिलता है। इसमें अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर्स हुआर वो कैनॉट उनको बी थिंकिंग ऑफ बिंग IAS होल्डर के अपॉर्चुनिटी स्टडी। सो इसीलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और सब बच्चे लोग उनका फ़ायदा लेना है, पढ़ना है, आगे दिन में वो हमारे गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन होना। अभी सुबहन और इनका टीम क्या करता है उनका फ़ायदा हमको अभी ज़्यादा नहीं सका सकते, बट नेक्स्ट जनरेशन का 100% फायदा मिलेगा। उसी टाइम
सब उनका काम का रिमेम्बर करेगा। ये एक अच्छा मतलब जो भी कोचिंग यूपीएससी के लिए हमारे लिए, हम जब पढ़ रहे थे तो बहुत कम थे कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो भी था वो गनीमत था। और सबसे ज़्यादा कोचिंग सेंटर से भी बड़ी बात है खुद मेहनत करना। खुद मैं स्पीच में भी बोला कि बहुत लंबी चौड़ी बात को मुख्तसर करने के लिए वो अल्लामा इकबाल साहब की जो शायरी, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, ये खुद को अपने आप को एक बदलने का, अपने आप को एक काबिल इंसान बनाने का एक कोर्स है। ये आपका अगर हुआ अच्छा है, नहीं तो बहुत सारे और भी जॉब्स हैं, लेकिन आप इसके लाइन में अगर प्रिपरेशन करेंगे तो वो सारे आपको मतलब एग्ज़ाम्स आसान हो जाएंगे। और इवन अगर आप एक बिजनेसमैन बनना भी चाहते हैं तो इतना सारा आपको नॉलेज मिलेगा, आपका पर्सनालिटी चेंज होगा, तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। और अगर आप नहीं कर पाए तो आपका बच्चा करेगा, आपका भाई करेगा। तो जो भी कोचिंग सेंटर्स अक्रॉस इंडिया ये सुभान और उनके टीम जो बना रहे हैं, I congratulate them. Yeah, it's a very good noble initiative from Falcon Group of Institutions to start 80 centers of coaching in civil service across the country, and that too by bearing almost all the financial burden and selecting very needful students who are from the poor financial background but who are meritorious at the same time. So it's a very big initiative. We need representation in civil service from the poor strata of the society as well, because our country is still lives in the villages, still our majority of population live in that level of the economic level. So for decision making to become more representative and more participatory, we need more people from all sections of the society. So in that regard, this is a very good initiative from Falcon Group. I appreciate the coordinator and the chairperson for this noble initiative, and may all the success be theirs in this venture. I hope that a lot of civil servants and people in government service are able to, you know, come out from this institute. And I must say that this is a very, very noble initiative, because see, civil service coaching is something which is mostly available to the cream of the society, because most of the times the coachings are unaffordable and it involves huge cost. So probably like his initiative that, you know, to give this free coaching to all the students, that's like very, very it's a very great initiative, because people even from all sections of society will be able to get the coaching, and they can also realize their dream of coming to the civil services. So I wish them all once again all the best. Main is bare mein ye kehti hu, government se sachar committee bolke minorities ke liye upliftment ke liye rakha tha, jahan pe bola minority students mein minority community ke liye kya changes lana hai, wahan se उनको जॉब्स दिलाओ, गवर्नमेंट एग्जाम्स में उनका अपलिफ्टमेंट के लिए डॉक्टर्स बनाओ। जो गवर्नमेंट अभी इतने साल से 2005 में साक्षर कमेटी आई, 2006 में माइनॉरिटी कमीशन आया एंड पूरा सेटअप हुआ, इतने साल से जो हम ड्रीम देख रहे हैं, अगर आप उसको एक होलिस्टिक लेवल में देखना चाहते हो, दैट यू कैन सी इन फाल्कन। आई एम एक्चुअली वेरी मच हैप्पी टू गेट कॉन्टेक्टेड विद दिस इनिशिएटिव, एंड ऑल्सो व्हाट आई एम टेलिंग, it is not about just setting up some 80 centers or giving online lectures every week. It is a comprehensive approach that Falcon is doing. It is a four layered approach. First, they are starting with the junior IAS. It is from 6th standard to 10th standard. So from there, whenever a person is going for a beginning of coaching, this 100 hours program they have implemented. So whoever completed the 100 hours, they are giving a foundation course of 320 hours for a separate UPSC app, which was already inaugurated by in the recent program. So next, it is the residential batch. The students who are selected through an All India exam, they are getting free food, accommodation, and also they are getting good training, the support from the good mentors, even from the civil servants who are coming interacting with these students. So this is very comprehensive approach. This is specially emphasis on community empowerment. We have to increase our representation, we have to increase our bureaucratic presence. That's why all this will be helpful, I am sure, and it is going to be a very keystone delivered approach and a great game changer in the country. ये तो सिर्फ अल्लाह का करना है, अल्लाह की करम है। देखिए, हर काम चांद पे चाना कोई इंसान नहीं सोच सकता था,
लेकिन किसी ना किसी को पहले सोचना पड़ा, और जब पहली मरतबा के जब कोई आदमी जाता है ना, तब वो नामुमकिन चीज़ मुमकिन हो जाती है। और ये जो दुनिया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जहाँ पे अगर हम उसको सही इस्तेमाल करेंगे, ये अनइमेजिनेबल चीज़ें जो इम्पॉसिबल कहा जाता है, वैसे चीज़ों को पॉसिबल किया जा सकता है। यही पावर ऑफ टेक्नोलॉजी को फाल्कन हार्नेस कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कई इनिशिएटिव्स ने फाल्कन ने लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल के लिए आज एक हाउसहोल्ड नेम है, उन गरीब तुलबा व तालिबात के लिए जो ख्वाब नहीं देख सकते थे डॉक्टर बनने का, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़िंदगी में ख्वाब आया है कि एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी कैन बिकम डॉक्टर। आईआईटी की जब बात होती थी कि गरीब का बच्चा तो हो ही नहीं सकता आईआईटी में जाने का, अल्हम्दुलिल्लाह आज पॉसिबल हो गया। एनआईटी में हमारे स्टूडेंट्स हैं, आईआईटी में हर इंजीनियरिंग कॉलेज में, अल्हम्दुलिल्लाह हर प्रोफेशनल कोर्सेज में अल्हम्दुलिल्लाह फाल्कन 8 जा रहे हैं। लेकिन शुरू से जिस दिन फाल्कन इस्टेब्लिश हुआ था, उस दिन से फिक्र ये थी कि जो मेन गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है, स्टील फ्रेम ऑफ दिस कंट्री, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें फाल्कन अब कैसे इन अंडर प्रिविलेज जो तुलबा व तालिबात हैं, जो ख्वाब नहीं दे सकते, जिनको 3 लाख रुपए देने की फैसिलिटीज़ नहीं है वो कोचिंग सेंटर्स को जाने के लिए, उन बच्चों को कैसे फैसिलिटीज़ दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2014 से जब हमने शुरू किया, 14-15 से, फ्रॉम दैट मोमेंट फाल्कन स्टार्टेड डूइंग द फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग प्रोग्राम। ये जितने स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान भर से आए हैं। कोई आपको कश्मीर से मिलेगा, कोई बंगाल से मिलेगा, कोई झारखंड से मिलेगा, कोई केरला से मिलेगा आपको, कोई महाराष्ट्र से है, कोई तमिलनाडु, हर हिंदुस्तान के अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया से ये लोग आए हैं। इनको एग्ज़ाम कंडक्ट करके फाल्कन हर साल रेसिडेंशियल तौर पे ये फ्री प्रोग्राम होता है फाल्कन का, जहाँ पे तमाम तर फैसिलिटीज़ इन तुलबा व तालिबात को प्रोवाइड की जाती है अंडर वन रूफ। उनको खाना हो जाएगा, उनका रहना हो जाएगा, उनके लिए 24/7 उनके लिए लाइब्रेरी दी जाएगी, इंटरनेट फैसिलिटी, तमाम मेंटर्स की फैसिलिटी रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये महाराष्ट्र से हैं जो ऑलरेडी UPSC का एग्ज़ाम लिखे हैं, क्लियर करे हैं, इनो मेंटर करेंगे। शाहिद सर ऑलरेडी सर्विंग ऑफिसर हैं, ही इज़ मेंटरिंग, देर आर सो मेनी ऑफिसर्स हु आर मेंटरिंग द फाल्कन इनिशिएटिव्स। लेकिन ये जो कुछ काम कर रहे हैं, ये बहुत कम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं।